नमस्कार किसान साथियों, आपका अपना बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसे खेत में लेके आया हूँ जिसमें गन्ना वैरायटी 94184 है, और इसमें एक समस्या हो गई है ये कि ख़राब बीज यानी कि रोगी बीज बोने के कारण खेत में जमाव होने के बाद जो है पौधे बहुत ज़ोर सूख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, दूर दूर तक गन्ना ही नहीं है, गन्ना जमने के बाद सूख रहा है। ये गन्ना देखिए किसान साथियों, ये सूख रहा है, जड़ से सूख रहा है। ये इसमें कालापन आ गया अंदर, ये सब जड़ से सूख रहा है ये गन्ना। हालांकि जो बीज सही था 94184 बीज मेरे पास भी था, हमने बोया है, तो उसमें इस तरीके का रोग नहीं लगा। इसका मेन कारण था कि इसका जो है खेत में ही बीज रोगी था शुरुआत से ही, इसमें बहुत तगड़े से पोका वोइंग लगा हुआ था, पूरा बीज खराब हो गया था, सूख रहा था जड़ से ही। उसी कारण जो ये गन्ना बोया गया उसके बाद जमाव बहुत कम जमा हुआ है, जहाँ तहाँ जमा हुआ है किसान साथियों। ये देखिए बहुत तेज़ी से गन्ना सूख रहा है। अब देखते हैं कि अब इसमें एक पानी एक जुताई हो चुकी है, तो किसान भाइयों शुद्ध बीज बोना बहुत ही ज़रूरी है। खराब बीज बोने से ये परिणाम निकल के आते हैं, ये दिखाने के लिए ही आज मैंने वीडियो शूट किया है। गन्ना का बीज गिरा भले हो लेकिन बीज शुद्ध होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, रोगी बीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका क्या परिणाम होता है ये आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जमाव ही नहीं है। धन्यवाद किसान भाइयों।